हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना सिखाऊंगी। रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवी देवता का जाप कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। तो चलिए माला का जाप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेन जो होता है ये मोती, ये सुमेरु होता है। इस सुमेरु को कभी भी पार नहीं किया जाता। तो चलिए मैं आपको जाप करना सिखाती हूँ कैसे किया जाता है। जाप हमेशा इस उंगली पर किया जाता है, इस उंगली पर माला को रख के जाप करना चाहिए। ये देखिए मैं आपको सिखाती हूँ ऐसे। ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप जब आपका पूरा जाप हो जाए 108 माला का, फिर आपको क्या करना है, जब ये लास्ट का जो ये पॉइंट आता है ये इस तरीके का, तो फिर हमें क्या करना है, माला को हमें इस तरीके से पलट लेना है। ये देखिए मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए इस उंगली से ऐसे पलट लिया। इस तरीके से पलट के फिर आप दूसरी माला का जाप कर सकते हैं। आप दो जाप करना चाहते हैं, पांच करना चाहते हैं, सात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दोबारा से उसी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए माला से जाप करना बहुत आसान है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जाप करना आ जाएगा।